नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में मौजूदा वोटिंग की स्थिति के बारे में जानकारी दी है। अनुपम राजन ने बताया कि दोपहर 3 बजे तक 60% से अधिक मतदान हो चुका है। शाजापुर में सबसे ज्यादा 70.27%, तो वहीं सबसे कम मतदान भोपाल में 45.34% मतदान हुआ है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राजनगर की घटना वोटिंग वाले दिन यानी आज की नहीं है, राजनगर की घटना कल देर रात को हुई है। अनुपम राजन ने बताया कि दिमनी में 2 जगहों पर विवाद की घटना सामने आई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मतदान का रिकॉर्ड बनेगा। अब तक 70% मतदान हो चुका है। शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। अभी वोटिंग परसेंट में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि साल 2018 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 75.63% मतदान हुआ था। वर्ष 2013 में 72.69% वोटिंग हुई थी। अभी तक 3 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत है राज्य में वो 60.52% है। 60.52, इसके पहले जो 1 बजे तक था वो 45.40 था, जो आपको बताया था। 11 बजे तक 28.25 था और शुरू में 7 बजे से 9 बजे के बीच में 11.83 था। तो अभी 60% का मतदान लगभग हो गया, 60 से ज़्यादा है, 60-61 के बीच में मतदान हुआ है। यदि हम विधानसभा वार देखते हैं, इसको पहले जिले वार देख लेते हैं, तो जिले में जो सबसे ज़्यादा मतदान का फिगर अपने पास अभी है 3 बजे तक में, वो आगर मालवा में है। वो 69.96 है, 70% कह सकते हैं। अलीराजपुर में ये 70.27 ज़्यादा जो वोटिंग का परसेंटेज है वो शाजापुर में है, 70.27। उसके बाद आगर मालवा 69.96, देन नीमच 69.69, और इस तरह से करके। और अगर नीचे साइड से देखते हैं, जहां अभी तक जिन जिलों में सबसे ज़्यादा मतदान का प्रतिशत है, जहां सबसे कम मतदान हुआ है, भोपाल सबसे नीचे है 45.34, 45.34। अलीराजपुर 50.66 और ग्वालियर 51%। नीचे से अगर हम देखते हैं, अलीराजपुर 50.66, इंदौर भी कोई बहुत आगे नहीं है, 54.89, ग्वालियर 51 बताया। तो जो टॉप 3 हैं वो शाजापुर, आगर मालवा, नीमच हैं। नीमच का 69.69, और जो बॉटम 3 हैं वो भोपाल, अलीराजपुर और ग्वालियर। तो ये 3 बजे तक की स्थिति है। यदि हम इसको विधानसभा वार अगर देखते हैं, तो विधानसभा में सबसे अच्छा जो प्रतिशत है वो लांजी में है, 74.4। बालाघाट में, लांजी में 74.4, सैलाना में 73.58 और रतलाम ग्रामीण में 73.13। ये अगर विधानसभा का हम देख रहे हैं 230 विधानसभाओं में, तो टॉप 3 ये है, बालाघाट में लांजी, रतलाम में सैलाना और रतलाम में ही रतलाम ग्रामीण। और अगर इसमें भी हम सैलाना 73.58 जी, रतलाम ग्रामीण 73.13, और इसमें भी हम आखिरी 3 अगर देखते हैं नीचे की तरफ से, तो सबसे नीचे है भोपाल मध्य 37.4। उसके बाद है, मतलब नीचे से दूसरे नंबर पे, ठीक है, मैं तो संख्या में प्रतिशत बता रहा हूँ अभी, नीचे से दूसरे पे है भोपाल दक्षिण पश्चिम 40.18, तीसरे पे है भोपाल उत्तर 43। तो तीनों भोपाल, चौथा भी भोपाल का है नरेला,
43.35, उसके बाद ग्वालियर 43.82, ग्वालियर ईस्ट। तो टॉप थ्री बॉटम थ्री ये आपके पास, ये हमने बता दिए, वेबसाइट पे भी डल गया है। तो इसके अलावा जो सुबह कुछ पूछा था हम आप लोगों ने कि कुछ कार्रवाइयों के बारे में सुबह पूछा था कि रात भर में क्या हुआ और कैसा हुआ, तो कल जो विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयाँ हुई उसमें लगभग 1,94,00,000 रुपए के मूल्य के सामग्रियों की जब्ती कल की गई थी रात में, जिसमें करीब 30,00,000 नगद था। जो शराब थी उसकी वैल्यू करीब 70,00,000 थी, 71,00,000। और जो फ्रीबीज कहते हैं, जो बांटने की सामग्री वगैरह होती है, उसका वैल्यू करीब 93,00,000 था। तो कुल 1,94,00,000 था। और जब से आचार संहिता लागू हुई है तब से लेके अभी तक हम कह सकते हैं वो 3,40,00,000 है, जिसके अलग अलग विवरण हैं कि नगद कितना है। नगद उसमें अगर आप नगद जैसे 40 करोड़ है, इस पूरी अवधि में नगद का अमाउंट 40 करोड़ है, मैं राउंड फिगर कह रहा हूँ। लिकर की वैल्यू करीब 340 करोड़, अच्छा 340 करोड़, नगद 40 करोड़। जो शराब है वो करीब 65 करोड़, जो मादक पदार्थ हैं वो 17 करोड़, सोने चांदी जो कीमती धातुएं हैं वो 92 करोड़, और फ्रीबीज वगैरह हैं 124 करोड़। तो इसका सीजर जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनके माध्यम से किया गया है। कैश 40 करोड़ जी। तो मुख्य मूल मुख्यतः यही बातें हैं। राजनगर की जो घटना है वो कल देर रात की घटना है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। वो मृत्यु अभी जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेट करके ना कहे तब तक हम नहीं कर सकते कि वो है, उसमें अभी पोस्टमार्टम के बाद FIR वगैरह दर्ज हो रही है, बट वो आज के दिन चुनाव से संबंधित नहीं, कल रात की घटना है, मैंने पोल डे के दिन की घटना नहीं है, उसके प्री पोल डे की घटना है। मुरैना में, वहाँ पे दिमनी में, मिर्घान में 2 बार झड़प की घटना है, जिसमें एक बार उनको जो उनको चोट आई है राकेश शुक्ला जी को, एक वो तो जब भिंड का है, हाँ सर, वो इंदौर में भी झगड़ा हुआ है, इंदौर में छोटा सा झगड़ा हुआ है जूनी थाने के सामने, जिसमें प्रकरण दर्ज किया गया है। दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई झगड़ा था, मतदान पे उसका कोई असर नहीं पड़ा। किसी को नजरबंद नहीं किया गया। चलो थैंक यू। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।